Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So how are you all? Hope you all are doing great and amazing. So आज था संडे एंड आज हम जाने वाले हैं मूवी डेट पे विद वन एंड ओनली. आई होप यू ऑल नो दैट, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है. सो आज था मेरा ऑफ. सो फाइनली मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, एजेस बोल सकते, जन्मों के बाद आज हम जा रहे हैं मूवी देखने. सो विदाउट एनी फर्दर डिले निकलते हैं घर से, बिकॉज 3 बजे का शो है और अभी हो चुके हैं अराउंड 2:15, 2:16 हो चुके हैं अभी. तो अभी मुझे भागना पड़ेगा. वैसे तो मेरे घर से 20 मिनट लगेंगे अगर मुझे बस मिल गई तो, ऑनली उस केस में. सो या फटाफट चलते हैं और देखते हैं दीक्षा पहुँची है या नहीं पहुँची, उसको मैं बाईपास मिलने वाली हूँ. एंड सो मैं बताना भूल गई थी, हम जा रहे हैं टूटीगंडी वाला जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर, जो कि पहले था SRS, बट पता नहीं कब वो चेंज हुआ और वो अयान करके किसी नाम से आ रहा है. क्योंकि मैंने पहले बताया हमने सदियों से मूवी नहीं देखी है, सदियों से. तो यस, एंड ऑल्सो मुझे तो पंजाबी मूवी देखनी थी क्योंकि मुझे हिंदी में मज़ा नहीं आता एंड मैं देखती भी नहीं हूँ पंजाबी के अलावा. तो बट अनफॉर्चुनेटली दीक्षा मैडम का कहना था मुझे पंजाबी नहीं देखनी है, मुझे समझ नहीं आती है और मुझे सिर्फ हिंदी देखनी है, वो भी वो गंगूबाई वाली, जो नाम भी नहीं मुझे पता, जो भी है. बस मुझे जाना था क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया है और ऑब्वियसली जब आपको कोई इनवाइट करता है तो आपका फ़र्ज़ है जाना, जो दिखा रहे हो देख लो भाई, ठीक नहीं है. सो ये वाला जो मूवी डेट है ये दीक्षा की तरफ से है बेसिकली, एंड उसको मुझे कॉल आ चुका था तो कहाँ है, एंड अगर अभी निकल रहे घर से आएंगे और हमने टिकट्स बुक नहीं करी है, शायद बस में कर ले मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि घर से निकलते निकलते पता नहीं चलता है लेट हो जाते हैं. तो हम प्लान चेंज करके कुछ और भी कर सकते थे बट या तो चलिए फिर हम बाईपास भी पहुँचने वाले हैं. सो अभी हम बाईपास पहुँच गए, अब हम वेट करते हैं जाके बस का, देखते कब तक मिलती है. टाइम तो भी है वैसे, तो इशू तो पड़ने नहीं वाला है, 2:30 ही हुए हैं बेसिकली. बस का वेटिंग पिछले 5-10 मिनट से, बट वहाँ से बस आएगी पर आ नहीं रही है. सो क्योंकि रिक्शा भी वेट कर रही है बस के लिए, तो वो जिस बस में आएगी मोस्ट प्रॉबेबली मैं उसी बस में जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो और भी मिल गई थी लॉन्ग रूट वाली, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिर्फ ब्लू वाली बसें आने वाली है, तो बस उसका है हमें इंतज़ार. होपफुली जल्दी आ जाए, 3 बज ना जाए हमें यहीं पे. तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. शिप करने वाली है, ये लेने वाली है टिकट्स. हाय, गूगल पे 400-200 ईच, एंड प्लैटिनम की टिकट थी अराउंड 220, तो उस हिसाब से. एंड ये रहा अयान सिनेमा, और मुझे सच में भूख भी लग रही है, बहुत भूख भी लग रही है यार. प्रश्न होगा कौन सा है वो देखो, यहाँ से नीचे वाला इधर, तो डायरेक्शन क्या है? अच्छा ये 2:22. सो लेट्स गो, मूवी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी. पुल ओ शिट, कहाँ जाएंगे इधर से अंधेरे में? पूरा कपड़ा खाली है, मतलब कपड़े तो खरी, देख मैं क्या लाया तेरे लिए. अभी हम मिलते हैं आपको मूवी देखने के बाद फटाफट से. क्या था, मोहरे भी मेरे और ताव भी मेरा ही था. एक कमली, एक पेन, तेरे पे अच्छा लगेगा. ये तो सोने के, तू पेन ना मेरी जान. तू कहाँ से लाई? वो दासी के गंग हो गए, बुटाते रहते. शीला मासी जानती है? शीला मासी मेरी कीमत जानती है, बहुत होशियार औरत है, मुने लगेगी मेरे. तो देखना कमली, अगले 5 साल में ना ये पूरा कोटा खरीद लूंगी और शीला को भी.
से हाय। वेलकम टू हर चैनल। इसका ही रटा रटा है डायलॉग यहाँ भी शुरू हो गया। सो अभी हो चुका है इंटरवल, तो हम खड़े कुछ खाने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और एज सच हमने अभी तक सोचा है नहीं, और हमारा टर्न आ चुका है। बट हम फटाफट डिसाइड करते हैं हमें क्या चीज़ लेनी है, एंड देन हम परचेज करते हैं इसलिए। सो अभी हम करने वाले फ़ोटोशूट, बिकॉज शो ऑफ करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गंगूबाई दिखनी ज़रूरी है, क्योंकि हम मूवी आपको दिखा नहीं सकते, बट हम पोस्टर आपको ज़रूर दिखा सकते हैं कि हम सही में गए हुए थे। और हमने ऑर्डर दे दिया है, उन्होंने कहा है कि आपको आपकी सीट पे मिल जाएगा। सो फटाफट हम फोटोशूट थोड़ा सा कर लेते हैं, इससे पहले हमारा इंटरवल ख़त्म हो जाए। सब मिलते हैं। एक बूंद दारू नहीं मिली उसे। अरे संभाल लिया मैंने रहीम भाई, बहन हूँ आपकी, आप ही सी तो सीख है। अरे सुबह से रजिया के कुत्ते धमकी दिए जा रहे। हाय। तिल मिला के गई है भाई, कुछ भी कर सकती है भाई, आप ही को संभालना पड़ेगा। सो मूवी हो चुकी खत्म, बज चुके हैं 6, हो चुका है बाहर अंधेरा। आई डोंट नो मेरी आवाज़ सुनेगी या नहीं सुनेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर है आई एस बिल्डिंग में। एंड ऑब्वियसली अगर हम बाहर आए और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर हमने 2 किलो नमक वाले पॉपकॉर्न खाए हैं, सड़ी हुई चाय भी पी है, कॉफ़ी भी पी है। कॉफ़ी इज़ फॉर 200 रुपीज़, बट इतनी बेकार कॉफ़ी। 10 रुपये की मेरी ऑफिस की मशीन में बहुत टेस्टी आती है, वो जो हम उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि पानी, पूरा पानी वाली कॉफ़ी थी, पानी था जस्ट पानी, और थोड़ा सा दूध और गंदा सा, पता नहीं क्या हमने उस पैसे वेस्ट किया। एग्जैक्टली हमने अपने मूवी बहुत अच्छा या पीछे भैया भी आ रहा था, ओके लेट्स इग्नोर हिम। और या मूवी अच्छी थी, नो डाउट, बहुत अच्छी अच्छी थी, एंड आत्मा की शांति होगी इतने जन्मों के बाद मूवी देख के। ओ बेटर सभी हम यहाँ पर ISBT में फास्ट फूड करके है, कोई प्रकाश सोचा कि पेट पूजा करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अभी इतना गंदा वाला टेस्ट आ रहा नमक का ना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी था, बहुत ज़्यादा। सभी हम खाएंगे गप्पे, एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चलेंगे हम वापस, बस का इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमें जल्दी मिल जाएगी। हाँ गोलगप्पे खा के हम आपसे मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली वी आर होपिंग कि अच्छे गोलगप्पे हो। इसको भी ले रही है यार, लाइट नहीं आ रही इस साइड को। ले ले पहला गोलगप्पा, ये मीठा कम डालना। हो अभी मेरा गोलगप्पा गिरा हुआ था और मैंने बचा लिया। सो या गोलगप्पे खा के हम आ चुके हैं, और अभी हम कर रहे हैं बस का वेट, सो दैट कि हम घर को जा सके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, ज़्यादा कुछ नहीं था, बट ऑब्वियसली बनाना तो पड़ेगा ना। सो या कुछ बोलना चाहेंगे आप? गाइस यही बोलना चाहेंगे कि आप गंगूबाई मूवी ज़रूर देखिए, लेकिन आप जहाँ हमने देखे वहाँ ना देखें, क्योंकि फूड अच्छा नहीं था, बाकी मूवी तो अच्छी थी। और हम लोग तो बार बार नहीं आएंगे, बाकी हम लोग अच्छे थे। हमने बहुत एंजॉय किया। जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने घर वालों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए हम लोगों के साथ। बाय, टेक केयर।